कि अक्षरा सिंह बार बार माइक फेंक रही हैं, आप लोगों के कार्यक्रम में माइक फेंक कर चली गई। 5.5 लाख रुपया मिला था। 5.5 लाख रुपया मिला फिर भी माइक फेंक कर चली गई, जबकि उनका बजट उतना नहीं होता। कितना? नीचे से कोई आया और 20 टकिया का वो गड्डी था इतना बड़ा, वो हाथ में देना चाहा तो झुक कर नहीं ली। पवन सिंह वाला गाना बजा था पहले, कमरिया बोली लगाने तो कमरिया पतरे बतरे साउंड। कार्यक्रम तो 2 घंटे की बात हुई थी, लेकिन वो मात्र 35 मिनट की। और जिसका दीदी बोलते हो आप, ऐसे मंच पर क्यों बुलाते हो मुझे, पहले बोली वो। फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम माइक ही करता है ना। हाँ। गुंजन सिंह से और सुभेश मिश्रा से ज्यादा वो स्टेज शो करते हैं क्या? उनका क्षमता नहीं उतना स्टेज शो हम लोग करते हैं। हाँ। सुभेश मिश्रा गुंजन सिंह के साथ कार्यक्रम में अक्षरा सिंह ने भरे मंच पर माइक फेंक कर जो है अपने घमंड का एहसास करवा दिया। और आज से हम अक्षरा सिंह को अक्षरा सिंह नहीं बल्कि घमंडी अक्षरा सिंह कहें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा सोचिए, ये माइक ही आपको कमाने खाने का मौका देता है, ये माइक ही आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा देता है, और उस माइक का आप मान सम्मान नहीं कर सकते हैं तो आप भोजपुरी के कलाकार कहने के लायक नहीं है। उस मंच पर सुभेश मिश्रा जी बीते, इनसे जानेंगे कि आखिर वहां पर क्या माहौल बना कि अक्षरा सिंह ने जो है वो माइक फेंक कर वहां से रवाना हो गई। क्या हुआ था सुभेश भैया, पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ कि अक्षरा सिंह बार बार माइक फेंक रही हैं, आप लोगों के कार्यक्रम में माइक फेंक कर चली गई? हमारे कार्यक्रम में नहीं, वो खुद के कार्यक्रम में माइक फेंकी है। अपने आप पैसा मिला था क्या? 5.5 लाख रुपया मिला था। 5.5 लाख रुपया मिला फिर भी माइक फेंक कर चली गई, जबकि उनका बजट उतना नहीं होता। कितना मिनट का कार्यक्रम था उनका? कार्यक्रम तो 2 घंटे की बात हुई थी। हाँ। लेकिन वो मात्र 35 मिनट की, और जिसका 1 मिनट का चार्ज उनका 14,300 होता है कैलकुलेट करने के बाद। मतलब 35 मिनट का उन्होंने काम किया, 5.5 लाख रुपए लिया और 14,300 रुपए पर मिनट का उनका। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्यों फेंक दिया उन्होंने माइक, क्यों फेंका, बड़े तैश में माइक फेंका चली गई? एक्चुअली हुआ कि लोग, पवन सिंह वाला गाना बजा था पहले, कमरिया बोली लगाने तो कमरिया पतरे पतरे साउंड। वाले को थोड़ी पता है आपका क्या है, टेंशन नहीं है। उन्होंने यूट्यूब वाले से कहा, नया यूट्यूब चला रहे हैं क्या? हाँ हाँ, वही वही साउंड वाला था, उछला दिया, बोले बंद कर दिया। फिर इनका गाना लगाया, ये अपने गाना पर डांस कर रहे थे कमरिया पतरे पतरे पर। तभी कोई नीचे, 6 फीट मंच ऊपर था, नीचे से कोई आया और 20 टकिया का वो गड्डी था इतना बड़ा, वो हाथ में देना चाहा तो झुक कर नहीं ली। तो वो ऐसे करके फेंक दिया ऊपर। उनके ऊपर कि मतलब आपके ऊपर चला जाए पैसा, खुशी से वो आदमी बस ये देख के, और वो पीछे घूमी और माइक फेंकी ऐसे करके और चल दी। माइक भी टूट गया। अच्छा, माइक का सम्मान ये लोग करना नहीं जानते हैं क्या? नहीं जानते। ये माइक ही है जो इनको मान सम्मान प्रतिष्ठा धन रुपया दे रहा है। फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम माइक ही करता है ना। हाँ, सही कह रहे हैं। और माइक ही है जिसका आप अगर सम्मान नहीं करेंगे तो वो आपको अर्श से फर्श तक पहुंचाने का भी काम जल्दी कर देगा। अच्छा, ये बताइए, वहां पर आप मौजूद थे, तमाम लोग थे वहां पर, देखा मैंने हजारों। गुंजन सिंह भी थे, गुंजन सिंह भैया थे, आप थे, इसके बाद तमाम दर्शक थे। गुंजन सिंह से आपसे बड़ी कलाकार तो मैं उनको नहीं मानता हूं, क्योंकि वो हर मंच पर जो है विवादों में घिर जाती हैं। उनके पास गाने का जो है एल्बम नहीं है कि वो ढंग से गाना गा पाए। 2 घंटा के कार्यक्रम में वो 35 मिनट में कार्यक्रम खत्म करके चली जाती हैं। अभी उत्तर प्रदेश में एक महोत्सव में गई थी, वहां भी उनको अश्लीलता गाने को लेकर विरोध हुआ था। इसके बाद झारखंड में भी वो माइक फेंक कर चली गई थी, आज भी समस्तीपुर में वो माइक फेंक कर चली गई हैं। क्या लगता है, मतलब ऐसे लोगों को लोग क्यों बुलाते हैं, और आप लोग कहीं सम्मान नहीं करते जब आप लोग बुलाते हैं तो? पता नहीं, जानते हैं, जब उनको बुक करके लाए ना तो जब जो ही गाड़ी से उतरी ना तो स्कूल के प्रांगण में हम लोग खड़े थे तो हमको बुलाई। हम ऊपर छत पर थे रूम में, हम नीचे आए, पिताजी उसी के इनोवा में बैठे थे, प्रणाम किए, और उधर से जो गए तो उनको प्रणाम किए, दीदी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। दीदी बोलते हो आप, ऐसे मंच पर क्यों बुलाते हो मुझे, पहले बोली वो। ये मेरे लायक मंच है। मेरा तो मन हुआ कि बोले कि दीदी आपका ऐसा ऐसा मंच देखे हैं जो हमारे लायक नहीं है। सही। अच्छा, मंच पर क्या कमी थी, गुंजन सिंह से और सुभेश मिश्रा से ज्यादा वो स्टेज शो करते हैं क्या? उनका क्षमता नहीं उतना स्टेज शो हम लोग करते हैं। हाँ। वो तो पता है हमको भी। दुइये कार्यक्रम में घबरा गई और बता रही हमारे लायक नहीं। साल में उनको लगता है कि 30 को कार्यक्रम मिलता होगा, उससे ज्यादा नहीं, हम लोग 150 कार्यक्रम करते हैं साल में। हाँ। जी, तो इतना अहंकार क्यों, इतना घमंड क्यों, जब सुभेश मिश्रा गुंजन सिंह जैसे बड़े स्टेज के कलाकार खड़े हैं तो स्टेज पर खड़े होने में उनको दिक्कत क्या है, मतलब इतना घमंड क्यों है? घमंड किस बात का है, लोग पैसा उड़ा दिया तो प्यार न है पब्लिक का। हाँ, आपको प्यार दिखाया तो आप पैसा उड़ा। और पवन सिंह का गाना नहीं बज रहा था उसमें, पहले बजा था वो। हाँ। बाद में ये गाना खुद के गाने पर डांस कर रही थी, पैसा उड़ा दिया, उस पे भागी है। लोग कह रहे कि कमरिया पतरे पतरे पवन सिंह का गाना था, इसलिए उनको विरोधाभास हुआ कि भैया हम पवन सिंह के गाना पर डांस नहीं करेंगे। नहीं नहीं, उस पे डांस नहीं की वो। अच्छा, ये डांस करने के लिए इनको लोग बुलाता है या गाने के लिए बुलाता? डांस करने के लिए, गाना नहीं आता है उनको उतना। फिर क्यों लोग 5 लाख रुपए दे? आप देखिए, जब वो गाना गाएंगे तो देखिएगा अगल बगल 2 लड़का जरूर रहेगा, 1 लड़का रहेगा उनके पीछे मैनेज करने में, नहीं तो वो नहीं गा पाएंगे गाना।
फिर भी लोग 5.5 लाख रुपया दे देते हैं। पता नहीं मुंह आपका कितना बदनामी हुआ। कहा जा रहा है कि आप लोगों ने ही उनको कार्यक्रम में बुलाया था और जो है आप लोगों ने अप्रोच किया था कि जो है इस कार्यक्रम में अक्षरा सिंह को बुलाया जाए। वहां के जो लोग थे ना वो हमको ये दायित्व सौंपे थे कि आप बुलाइए, तो हमने कोशिश किया। तो हमने जब उनको फोन किया तो बोलती है हाँ बोलो क्या है, कार्यक्रम करना था। बोले हाँ, कितना लीजिएगा? तो 7 लाख रुपया लगेगा तुमको। पहले तो तुम तम कर रही थी, हमको वहीं से अच्छा नहीं लग रहा था। पार्टी को फोन किया कि वो खाली ही नहीं है, क्योंकि जब आपको इज्जत सम्मान नहीं मिलेगा, हम छोटे हैं, अगर हम आप हमसे छोटे हैं, हम आपको इज्जत नहीं देंगे तो आप मुझे इज्जत दीजिएगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तो वही चीज हो गया, मैंने इज्जत दिया लेकिन उन्होंने इज्जत नहीं दिया। मैंने पार्टी को, पार्टी बोला अब हल्ला हो गया कर दीजिए। तो हमने बोल दिया पार्टी को कि आप सर करिएगा, तो पूरा गाँव समाज 10 रुपया 20 रुपया करके बुला रहा था। ना कोई सांसद थे बुलाने में, ना कोई नेता थे, तो 10-5 रुपया करके सब कोई बुलाए हैं। तो आप करिएगा तो दायित्व आपकी, वो यहाँ तक मैं बुला दूंगा, उसके बाद उनको मैनेज करना आपका काम है। ये दर्शक ही हैं जो इन्होंने इतना प्यार आशीर्वाद दिया और आपको किसी लायक आप लोग नहीं थे तो आपको लायक बना दिया। और दुर्भाग्य का बात यह है कि जब दर्शक और इसके बाद आपके ऑडियंस, आपके चाहने वाले आपको बुलाते हैं मोटा रकम देकर, तो आप उनके सामने अहंकार, घमंड और इसके बाद अभिमानता के साथ उनके सामने नजर आते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग आप इन लोगों को जो है पसंद नहीं करते हैं। हाल ही फिलहाल की घटना, उत्तर प्रदेश में अक्षरा सिंह कार्यक्रम करने गई थी, वहां से कचरा करवा कर अपने आप को निकली है, वहां पर अश्लील गाना गाई और लोगों ने विरोध किया। इससे पहले भी उन्होंने माइक फेंक दिया था और आज समस्तीपुर में जब उन्होंने माइक फेंका तो सच बात तो यही है कि भोजपुरी सिंगर का अपमान था, क्योंकि वहां पर ऑडियंस भी बहुत सारे थे जो समझदार बुद्धिजीवी थे, बहुत सारे ऐसे सिंगर थे जो आपसे बड़ी क्षमता और बड़े लोक गायक के रूप में जाने जाते हैं, और उनके सामने आपने इस तरीके का अगर माहौल बनाया, माइक को फेंक दिया भरी सभा में, भरे मंच पर, तो यह दुर्भाग्य है। आप लोगों को ऐसे कार्यक्रम में नहीं बुलाना चाहिए जब आपको कार्यक्रम का इज्जत ना हो, आपको ऑडियंस का सम्मान ना हो। कार्यक्रम इनको लेना ही नहीं चाहिए वैसा, तो फिर रोजी रोटी कैसे इनको चलेगा? इनको चाहिए बॉलीवुड वाला यहाँ एकदम फुल ड्रेसअप में आए लोग, हेलो हाय, हेलो अक्षरा जी, ऐसे करे तो ये गांव में नहीं मिलेगा, यहाँ तो गमछे बांध कर लोग आएगा। तो बॉलीवुड में रास्ता बनाए, अगर बॉलीवुड वाला माहौल चाहिए वहाँ तो बाइकॉट है। बॉलीवुड वाला करिए, रास्ता बनाइए, है बाइकॉट है वहाँ। भोजपुरी को छोड़ दीजिए तब, तब ना समझेंगे। भोजपुरी वाले कला लोगों का अपमान करिएगा जो गमछा बांध के आता है। गमछे बांधने वाला भोजपुरी का ओरिजिनल सुनवैया लोग है, उसी से आप भागते हैं, उसी को माइक फेंक के दिखाते हैं। किसी दिन वो लोग आपको फेंक दिए तब क्या करिएगा? 14 करोड़ बिहारी जो है आपको पसंद करते हैं, और बिहार से बाहर जब आपको जाइएगा तो आपको अपनी क्षमता और अपनी औकात समझ में आ जाइएगा। बॉलीवुड में आपको जगह नहीं मिल सकती है। यूपी वाले आप अश्लील गाइएगा तो यूपी वाले भगा देंगे। बिहार के लोग अगर प्यार सम्मान दे रहे हो तो उस प्यार और सम्मान को सर आंखों पर रख कर उस प्यार और सम्मान के साथ काम कीजिए। बेशक 2 घंटा बोलकर 1 घंटा ही काम कीजिए, लेकिन इज्जत और ईमानदारी और इसके बाद निष्ठा प्रेम के साथ काम कीजिए। 2 घंटा बोलकर 1 घंटा क्यों काम करेंगे? जब नहीं एल्बम है क्या करेंगे? पैसा इतना इतना ले रही है वो, तो 2 घंटा बोलकर 1 घंटा क्यों काम करेगी? मेरे यहाँ 35 मिनट काम किए वो, क्योंकि काम 35 मिनट, 2 घंटा करना चाहिए ना उनको। आपसे बोल के आई थी बात, बात बात होती है, बात होती है। चलिए इनको भी दुख है और वहां पर खड़े तमाम बड़े बड़े कलाकारों को भी दुख है। हमको दुख नहीं है, हमको इस बात का दुख है कि कमेटी वाले का पैसा बर्बाद हो गया। और कमेटी वाले आपसे जवाब मांग रहे हैं, हमसे जवाब मांग रहे हैं। 2 घंटा बोलवा के मंगाए थे, 35 मिनट का हम, लेकिन उनको उसमें भी ऑप्शन दिए थे उनको कि महोदय जी अगर वो आएगी जितना देर में जाएगी आपको हैंडल करना है, क्योंकि हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, बढ़िया बढ़िया लोग नहीं कर पाए तो हम क्या हैंडल कर पाएंगे। सही कह रहे, 2 घंटा बोलकर 35 मिनट कार्यक्रम इसलिए करते हैं क्योंकि इन लोगों के पास गाने का कोई एल्बम नहीं है, मतलब कोई सुर है ही नहीं है। गाने का वो नहीं है ना इनके पास, के मतलब कलेक्शन नहीं है। क्या गाएंगे, क्या गाएंगे, कैसे खुश करेंगे? डांस करेंगे तो लोग समझेगा कि डांस करने वाली है, इसलिए उसमें भी इज्जत बचाना और निकल जाना। जो है स्टूडियो के अंदर गाना और स्टेज पर गाने में जमी आसमान का फर्क होता है। अगर जो स्टूडियो के अंदर गा लेगा वो समझिए कि स्टेज पर कभी परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकता, और जो स्टेज पर परफॉर्मेंस कर देगा वो स्टूडियो के अंदर उसके लिए गाना आम सी बात हो जाएगी। ये लोग स्टेज के कलाकार हैं और पूरे बिहार और पूरे उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जा जाकर कार्यक्रम करते हैं, इसलिए स्टेज के कलाकार असली मायने में हम इनको मानते हैं। हमको नहीं आता है गाने के लिए, हम कहते हैं खुद हमको नहीं आता, नहीं तो उनके फैन सब बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कहेंगे कि भाई इसको गाने, हमको नहीं आता है गाने, ना हम गाने वाला चाहते हैं। और हमको इतना आशीर्वाद दें लोग कि उसके तरह बन जाएं, आप 5 लाख मांगे या फिर माइक फेंके, वो भी नहीं चाहिए हमको। हम चाहते हैं कि 50,000 कमा लें, खूब खुश रहें और इज्जत से कमा लें। बिल्कुल, कोई बाद में हमारे ऊपर ये ना बताए कि अक्षरा सिंह कचरा करके चली गई। बिल्कुल, ये सम्मान नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए। चलिए सुधारिए अपने आप को, इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी और अगर आप इतनी बड़ी कलाकार हैं तो उसकी मान प्रतिष्ठा गरिमा का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।